वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल से बात करने वाले हैं। ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू है एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर आप क्लास सेवन एट सिक्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा पढ़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि पॉलिनोमियल है क्या। कितने बच्चे नाम से ही नहीं समझ पाते पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपने मोनोमियल बाइनोमियल पढ़ा होगा, उसी का बड़ा भाई है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब होता है मैनी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई टेंशन नहीं, आपने राइट वीडियो को सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं सब कुछ कोशिश करूँगा बेसिक से। अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक हो रहा है तो मैं आपको बोल दूँगा मेरे पास सेलेक्टेड वीडियोज़ है जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा कवर किया हुआ, तो वहाँ आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल से का बात करने से पहले हम लोग कुछ बातें करनी पड़ती है। ये चूँकि अलजेब्रा का एक ब्रांच है तो इसमें बात करना पड़ता है। ऑफकोर्स अलजेब्रा में होता क्या है, अलजेब्रा में हम नंबर की जगह, ठीक है, लेटर्स का यूज करते हैं। बस इतना ही अंतर है एक अरिथमेटिक और एक अलजेब्रा में। अरिथमेटिक जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम लोग नंबर्स का यूज किए थे, डिजिट्स का यूज किए थे। पॉलिनोमियल में उसी नंबर की जगह हम लोग लेटर्स का यूज करते हैं जो कि अलजेब्रा है। ओके, तो पहला चीज़ में जरूरी है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में अंतर जाना। मैं ज़्यादा थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, आपको अगर लगे थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं तो आप थोड़ा स्लो कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में अंतर जाना। ऑफकोर्स मैं सब कुछ का डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको अगर जाना हो तो ऑफकोर्स आप वो वीडियो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा फिर जाके अच्छे से देख सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में अंतर समझना पड़ेगा। ये कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट कोई ऐसा चीज़ है, नाम से पता चल रहा है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, ठीक है। फिक्स्ड वैल्यू किसका होता है? ऐसा वैल्यू फिक्स्ड हो कि कहीं पर ना बदले, ठीक है। जैसे अगर हम टू ले रहे हैं, टू हमारे घर में, हमारे घर के बाहर, ठीक है, कहीं दूसरे शहर में या मून पे भी टू टू ही रहेगा, वन वन ही रहेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, नाइन नाइन ही रहेगा। तो ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। वेरिएबल कौन है? तो वेरिएबल जनरली हम लोग लेटर्स लेते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ये सब जो है इस सबको वेरिएबल लेते हैं। ऑफकोर्स कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। तो ये सब क्या हो गया? वेरिएबल। ओके, जब वेरिएबल और कांस्टेंट मिलते हैं तो एक चीज़ बनता है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट इस सबके पे आपको पता है कि ऑपरेशंस हो सकता है, ठीक है। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो कांस्टेंट के बीच में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता ही है, ये सब अभी तत्काल रेशनल नंबर है। ऑफकोर्स यहाँ कुछ भी हो सकता है, टू बाई थ्री भी हो सकता है कांस्टेंट में, फाइव बाई सिक्स, फाइव बाई नाइन भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, माइनस फाइव बाई नाइन भी हो सकता है। तो कोई कांस्टेंट हो सकता है जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। तो ऑपरेशन आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब समझते हैं इस सब पे। वैसे ही वेरिएबल्स पे भी होता है, लेकिन वेरिएबल्स में कुछ नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँ कि दो अलग अलग वेरिएबल है एक्स प्लस वाई, तो इसके बीच में कुछ होगा नहीं। इसका यही मतलब हुआ कि आप एक लताम और एक आम को जोड़ रहे हैं, तो नहीं हो सकता, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में एक्स इंटू वाई लिखा जाता है, लेकिन वो फिर से इस सिर्फ आपको ये मल्टीप्लिकेशन साइन हटाना है और ऐसे ही रख देना है, थोड़ा स्पेस दे के रख देना है, ठीक है। माइनस में भी ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा अगर दो अलग अलग है तो, ठीक है। डिवीजन में भी x बाय वाई का x बाय वाई ही रह जाएगा, तो कुछ होता नहीं है अगर दोनों अलग अलग टर्म हो। ऑफ कोर्स जब दोनों सेम टर्म है यानी x प्लस एक्स है, तो यहाँ हम लोग सिंपल रूल लगाते हैं कि आपको x नहीं, वेरिएबल नहीं देखना है, इसके आगे का जो चीज़ है जिसको हम लोग कॉफिशियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशियंट, द न्यूमेरिकल पार्ट, ठीक है, द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए टर्म। टर्म, टर्म के बारे में जानेंगे अभी, इसको क्या बोलते हैं? कॉफिशियंट। टर्म सिंपली मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, आप सिर्फ कांस्टेंट को जोड़िए यहाँ पे, तो टू हो गया, और जो जिस पे वेरिएबल होगा है वो लिख दीजिए, टू एक्स हो गया। तो ये सब आपको आप जानते ही होंगे, मैं उतना ध्यान नहीं दूंगा। उससे हम लोग आते हैं टर्म्स पे। ये टर्म्स क्या है? टर्म्स है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल जब मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसी टर्म के हिसाब से हम लोग वहाँ डिफिनेशन पे जाएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर कॉल्ड टर्म, ठीक है। जैसे, और ये कम्बिनेशन होना किसे है? तो ये कम्बिनेशन होना है प्लस और माइनस से। जैसे मैं बोलूँ 2x, तो इसमें कितना टर्म है? तो ये एक ही टर्म है। क्यों एक ही टर्म है? यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स है, या इसको आप बोले कि x प्लस एक्स है, तो ये x प्लस एक्स ज़रूर है, ठीक है। लेकिन ये फाइनली क्या रिजल्ट आया है? रिजल्टेंट इसका क्या है? 2x है, ठीक है। तो ये जो 2x है, ऐसे कहने के लिए तो कोई ऐसे ही बोल देगा 0.5x, 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 ठीक है, इसको 4 बना देगा, ये बोलेगा 4 टर्म है। तो ऐसे नहीं, जब रिजल्टेंट क्या आया है उसको आपको देखना है। तो 0.555 ये भी आके तो 2x ही होगा, तो आपको रिजल्ट देखना है ये 2x है। 2x में कितना टर्म आपको दिख रहा है? 1 टर्म, ठीक है। जब दो अलग अलग टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दो टर्म हो गया। जैसे 2x है और 3y है, ये दो अलग अलग टर्म था, और इस दोनों को हम प्लस से या माइनस से अलग कर दिए तो ये दो टर्म हो गए, ठीक है, टू टर्म्स हो गए। तो जब टर्म्स मिल जाता है तो इसी को एक नाम देते हैं, क्या? एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या नाम देते हैं? एक्सप्रेशन, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में कवर कर रहा हूँ, अब लग रहा होगा आपको कि दिक्कत हो रहा है मुझे, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा बेसिक्स देख सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो लेक्चर बनी हुई 30-40 मिनट के। एक्सप्रेशन क्या है? यही कम्बिनेशन है किस चीज़ का?
टर्म्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. जैसे मैंने ऊपर में एग्जांपल लिखा 2x + 3y, ये है एक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन. और भी 3x + 7y या 3z + y सिंपली, ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है. ओके, अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है टर्म लाइक भी हो सकता है अनलाइक, ठीक है. तो अगर आपको नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए इतना दिन, फिर भी समझिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म. लाइक टर्म वैसे जिसके सेम वेरिएबल हो, लाइक टर्म मतलब सेम वेरिएबल. जैसे यहाँ x + x था, y + y रहता, z + z रहता, तो वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं. लेकिन यही x + y भी है, x + y भी है, तो ये जो है वो सेम वेरिएबल के साथ अगर नहीं रहे, दोनों x के साथ नहीं रहे, तो वो अनलाइक टर्म कहलाते हैं. ओके, लाइक टर्म के बीच में ही प्लस माइनस हो सकता है, अनलाइक के बीच में नहीं हो सकता है. जैसे x + y के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं हुआ, लेकिन यही लाइक रहता है x + x रहता है तो 2x हुआ. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म के बीच में होता है, ये सब आपको पता है मुझे उम्मीद है. ओके, अब एक्सप्रेशन, अब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कि एक्सप्रेशन में कितना टर्म होने वाला है. जैसे यहाँ दो टर्म है, एक्सप्रेशन एक टर्म का भी हो सकता है. ये एक सिंपल एक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ वन टर्म है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है. ऑफकोर्स ऐसा भी हो सकता है 6x + 4y + 3z, इसमें आपको कितना टर्म दिख रहा है, तीन टर्म, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है. जैसे 3y + 6z + 7p + q, इसमें कितना टर्म दिख रहा है, 1, 2, 3, 4, और सब चार अलग अलग है टर्म, और सबको प्लस या माइनस है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ऑफकोर्स कुछ भी हो सकता है. तो इसको सेपरेट किया गया, तो ये चार टर्म वाला एक्सप्रेशन है. तो एक्सप्रेशन को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, किस बेसिस पे, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स बना किसे रहता है, तो एक्सप्रेशन बना रहता है टर्म से ही. तो कितने टर्म्स है उस बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया, मोनोमियल. अब आपको वैसे तो मुझे उम्मीद है आप 9th में है, बहुत बार मैंने जिक्र किया हो तो आपको पता हो, नहीं पता है तो समझिए. मोनो मतलब होता है वन, मोनो या यूनी आपको दिखे तो मतलब वन, बाई या डाई मतलब होता है दो, ट्राई या ट्राई का मतलब होता है थ्री, क्वाड या टेट्रा मिल जाए तो मतलब होता है चार, पर अभी इसका काम नहीं था मैंने नहीं किया. पेंट मतलब होता है पाँच, हेक्स मतलब छः, हेप मतलब सात, ऐसे होता है. यहाँ पे दो और शब्द आपको पॉली, पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत सारा. तो मोनोमियल अगर है तो मोनो आप पकड़िए, मोनो मतलब वन. तो आप ऐसे लिखेंगे एन एक्सप्रेशन विथ वन टर्म, क्या बोलेंगे, एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें क्या होने वाला है, विथ वन टर्म, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होने वाला है. एग्जाम्पल 2x और हो सकता है 3y, कुछ भी हो सकता है. ओके, पावर भी हो सकता है 2x², ये भी हो सकता है, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ठीक है. 3y⁻⁰ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक टर्म होना है, ठीक है. ये भी क्या है, ये तो एक ही टर्म है, इसमें y 10 बार मल्टीप्लाई हुआ, ये नहीं हुआ है, और कुछ तो नहीं हुआ, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये तो एक टर्म है, सिंगल टर्म है. क्या ये सिंगल टर्म है, अगर सिंगल टर्म वाला कोई एक्सप्रेशन हो तो उसको बोलते हैं मोनोमियल. ओके, लेट्स प्रोसीड. सेकेंड आता है बाइनोमियल. मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसका, क्योंकि आप क्लास 9th में, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, ठीक है. ये बाइनोमियल क्या होने वाला है, तो आपको ऊपर से दिख रहा है बाई मतलब वो क्या होता है, दो. तो एक्सप्रेशन विथ टू टर्म, एक एक्सप्रेशन होगा एन एक्सप्रेशन विथ या कंटेनिंग टू टर्म्स, जिसमें दो टर्म्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो बाइनोमियल है. एग्जाम्पल तो 3x + 7y, ठीक है. ओके, 3x + 7 ये भी एक क्या है, बाइनोमियल. ओके, अब यहाँ वेरिएबल का जब कंसेप्ट आता है तो कोई कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वेरिएबल वन टर्म वाला और टू टर्म क्या है. कभी कभी आप जैसे पिछले क्लास में भी देखे होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल, तो वहाँ सिंपली वन वेरिएबल मतलब एक ही तरह का वेरिएबल होने वाला है. जैसे ये इसमें वन वेरिएबल है लेकिन इसमें टू वेरिएबल है, तो इसमें अगर बोले तो इसको बोलेंगे ये एक्सप्रेशन है विथ टू वेरिएबल, ये एक्सप्रेशन है विथ वन वेरिएबल, ठीक है. तो इसमें आपको डरना नहीं है. थर्ड ट्राइनोमियल, ठीक है. ट्राइनोमियल क्या होने वाला है, एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म्स, एक्सप्रेशन विथ थ्री टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या होने वाला है, तीन टर्म्स होने वाला है. एग्जाम्पल ये रहा आपका, ठीक है. और भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर में भी हो सकता है 6x² + 3y + 9z, ठीक है. ये है ऑफकोर्स 2x² + 2x + 7, ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है. हाँ ये अलग है, 2x² वाला अलग है, ये 2x वाला अलग है, ये 7 अलग है, तो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल. ऐसे ही क्वाड्रोनोमियल, ऐसे ऐसे टेट्रानोमियल ऐसा नहीं किया गया, अब डायरेक्ट बोल दिया गया पॉलीनोमियल, ठीक है. क्या बोल दिया गया, पॉलीनोमियल. पॉलीनोमियल क्या होगा, तो एक्सप्रेशन विथ मैनी टर्म. ओके, अब यहाँ पे इस डिफिनेशन में हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एक्सप्रेशन विथ मोर देन थ्री टर्म्स या उससे ज़्यादा भी, ठीक है. एक्सप्रेशन विथ थ्री और मोर टर्म्स ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है. वन टर्म्स भी हो तो उसको पॉलीनोमियल बोला जाता है, ये भी एक पॉलीनोमियल है, ठीक है. आप इसको जोड़ सकते हैं वैसे यहाँ से, लेकिन आप ऐसे ही बोल सकते हैं एक्सप्रेशन विथ मोर टर्म्स, ठीक है. एक्सप्रेशन विथ थ्री और मोर टर्म्स, आपको ऐसा लग रहा होगा है, ऐसा है भी, ठीक है. लेकिन ट्राइनोमियल भी क्या है, तीन
टर्म वाला है, यानी वो भी एक तरह का बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्या है, वो भी एक तरह का दो टर्म वाला है, तो वह एक पॉलिनोमियल भी है। इवन मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल बोला जाता है। शर्त क्या है पॉलिनोमियल होने का, यहाँ से तो हम जोड़े कि ऐसे लिंक कर सकते हैं, पर शर्त क्या है किसी भी एक्सप्रेशन का मोनोमियल होने के लिए? तो शर्त सिर्फ इतना ही है कि एक्सप्रेशन के पास पावर कितना होता है, तो पावर या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव या तो फ्रैक्शन। आप लोग पढ़े होंगे इसके बाद पॉजिटिव निगेटिव या फ्रैक्शन, एक्सप्रेशन मैंने बताया हुआ, ठीक है। तो एक्सप्रेशन शुड हैव ओनली होल पावर, ठीक है, एक्सप्रेशन शुड हैव ओनली, आपको बुक में दिखेगा ये वर्ड, इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर, इंटीग्रल यहाँ सिंपली मतलब है होल नंबर, ठीक है, कि नंबर जो होने वाला हमारे पास जो एक्सप्रेशन होने वाला है उसका सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में पावर होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, एक एक्सप्रेशन जिसके पास कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल पावर, ठीक है। जैसे 2x² है प्लस 3x है प्लस 7 है, ये एक क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि इसके पास जो जो भी वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पे आपको पावर किसका देखना है, वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, आप एक वर्ड और जो लीजिए, वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, वेरिएबल इन एक्सप्रेशन शुड हैव ओनली इंटीग्रल पावर। वेरिएबल जो होने वाला है, जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, तो उसका इंटीजर में पावर होना चाहिए, मतलब सिंपली होल नंबर में पावर होना चाहिए। यहाँ इंटीग्रल और इंटीजर अलग है, इंटीजर में निगेटिव भी आता है लेकिन यहाँ होल में निगेटिव नहीं आ सकता है। आप लोग समझते हैं इंटीजर होल नंबर नेचुरल नंबर, मुझे पता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 है ना, ये तो 2 क्या है, 2 एक होल नंबर है। यहाँ इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, 1 भी क्या है, एक होल नंबर, तो ये एक पॉलिनोमियल है, इसको मिल गया, ये पॉलिनोमियल है। अब ऐसे कनेक्ट किया है मैंने, वैसे पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या है, तो एक एक्सप्रेशन होने वाला है, ठीक है, एक टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकता है, मैनी टर्म भी हो सकता है, शुड हैव ओनली इंटीग्रल पावर, जिसका क्या होने वाला है, जिसमें वेरिएबल होने वाला है, जिसका सिंपली क्या होने वाला है, इंटीग्रल पावर। कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स की ये टाइप है, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, उल्टा भी आप जा सकते हैं, मोनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल के टाइप है। ओके, अब क्या आते हैं, अब हम आते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे। उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास एक्सप्रेशन में है 2x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, ये एक्सप्रेशन में मैं x नीचे कर दिया, अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, बोलेंगे आप इसमें भी तो 1 है, लेकिन इसको आप जब अरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x², इसको मैं नीचे से ऊपर लाना चाहता हूँ, तो 3x और ये ऊपर वाला जब पावर आएगा ऊपर और वेरिएबल के साथ, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 7, ये क्या होल नंबर है, तो नॉट ए होल नंबर, ठीक है, नॉट ए होल नंबर। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नो, ठीक है, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल भी नहीं। तो पॉलिनोमियल का सबसे अच्छा शर्त आपको पता चला, पावर जो होना है, पावर किसका, वेरिएबल का, इस एक्सप्रेशन में पावर जो होने वाला है वेरिएबल का वो कैसा होने वाला है, तो वो होने वाला है होल नंबर। ओके, एक और देखिए, मान लीजिए आपके पास है 2x² प्लस रूट अंडर 3x प्लस 7, और एक है आपको पास 2x², इसमें आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 3√x प्लस 7, बताइए कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं। और एक चीज़ और, वेरिएबल का पावर लिखना है पॉलिनोमियल में, कॉन्स्टेंट क्या है, तो यहाँ देखिए रूट 3, इसका मतलब है, इसका मतलब आपको पता है ना, ये रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो ये 3 का पावर 1/2 है, एक्स 1 ही है, एक्स पे अभी भी होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है एक पॉलिनोमियल, क्यों, वाई नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इसलिए ये नहीं है क्योंकि इसमें जो एक्स है, ठीक है, एक्स उसका पावर कैसा है, एक्स हैज फ्रैक्शनल पावर, 1/2 कैसा होता है, फ्रैक्शन ना, तो एक्स हैज फ्रैक्शनल पावर, ठीक है, एक्स के पास कैसा होने वाला है, फ्रैक्शनल पावर है। ओके, ये तो हो गया किसके बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में बात। चलिए, तो आप समझिए पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होने वाला है जिसमें क्या होने वाला है कि जो उसके वेरिएबल होने वाला है उसका एक सिंगल होल नंबर में पावर होने वाला है, वो कितना भी हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। ओके, तो पॉलिनोमियल सिंपली अगर डिफाइन करना चाहे तो एन एक्सप्रेशन होगा, एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन बनता किसे, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल से, तो एन एक्सप्रेशन जिसमें इन विच वेरिएबल्स हैव ओनली, वेरिएबल्स पास कैसा होने वाला है, ओनली होल नंबर पावर, होल नंबर पावर, होल नंबर में पावर होना चाहिए, या इसको आप बुक में देखेंगे तो आपको दिखा रहेगा नॉन निगेटिव इंटीग्रल, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल, तो वो भी यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि निगेटिव भी होना चाहिए, ठीक है, नॉन निगेटिव और इंटीग्रल होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव ना होना चाहिए और इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब इंटीजर में, यानी होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। तो यही है पॉलिनोमियल का डिफिनेशन,
आपको जनरल फॉर्म भी दिखेगा। ओके ये समझे। अब क्या हमको चलना है, अब कुछ स्पेशल टाइप के पॉलिनोमियल को पढ़ना है। पॉलिनोमियल का टाइप मोनोमियल भी है, मोनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, ठीक है, बाइनोमियल भी है, ठीक है, ट्राइनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, ऑफकोर्स उससे इसको लाए थे, उल्टा भी जा सकते हैं किसी रास्ते से, अगर घर से हम आते हैं, ठीक है, अगर घर से आप शॉप जाते हैं तो शॉप से घर जाने का भी रास्ता होता है। अब इससे भी छोटे भाई बहन का इसका बात करते हैं। एक आता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, सिर्फ टू का, तो क्या टू एक पॉलिनोमियल है? तो आप बोलेंगे इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर क्या देखना है, वेरिएबल है, कैसे वेरिएबल है, तो क्या आप जानते हैं कि एक्स पावर जीरो जो होता है वो वन होता है, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन एक्सेप्ट जीरो रेज टू पावर जीरो, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसका डिफाइन नहीं। तो ये अगर टू है तो टू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू इक्वल टू टू एक्स पावर जीरो, क्योंकि यहाँ पे तो टू को हम कैसे लिख सकते हैं, टू इंटू वन, और वन की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स पावर जीरो। तो अगर एक्स पावर जीरो लिख दिया हूँ तो यहाँ पे ये तो इस वेरिएबल का पावर कैसा है, होल नंबर, जीरो कैसा है, होल नंबर, तो यस टू इज ए, टू इज ए पॉलीनोमियल, टू कैसा है, एक पॉलीनोमियल। ओके तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल कैसा होने वाला है, तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल एक ऐसा पॉलीनोमियल होगा, ठीक है, जिसके पास सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म होंगे, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल विथ विथ ओनली कॉन्स्टेंट टर्म, विथ ओनली कॉन्स्टेंट टर्म। ओके उसी तरह से एक आता है जीरो पॉलीनोमियल, क्या आता है, जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल क्या होने वाला है, ऑफकोर्स आप यहाँ पे बोलेंगे जीरो पॉलीनोमियल एक ऐसा पॉलीनोमियल होगा जिसके पास जीरो होगा, ठीक है, अब पॉलीनोमियल विथ जीरो वैल्यू, जिसका वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो, इसमें सिंपली सिर्फ जीरो ही एग्जांपल है जो कि एक जीरो पॉलीनोमियल है, और भी बहुत सारा हो सकता है। मान लीजिए मैं लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ बहुत सारा चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसमें मैं बोल दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो जीरो है, कंडीशन दे दिया, तो ये भी एक क्या है, जीरो पॉलीनोमियल, क्योंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सब किसके बराबर आ जाएगा, जीरो, ठीक है, तो ये भी एक जीरो पॉलीनोमियल का एग्जांपल है। ओके पर ये एक जीरो पॉलीनोमियल का एग्जांपल नहीं, ठीक है, तो चलिए जीरो पॉलीनोमियल का आप एग्जांपल समझिए कि जिसका वैल्यू जीरो हो, ठीक है, तो ये भी एक जीरो पॉलीनोमियल है। ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करते हैं जहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है, और वो क्या है, वो है आपका डिग्री का नॉलेज, ठीक है, डिग्री, जैसे आप एंगल में देखते थे वैसा ही कुछ कुछ है, ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, ठीक है। अभी डिग्री क्या होता है, तो डिग्री जैसे आप देखते थे 30 डिग्री लिखते थे, यहाँ पे 30 के ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट ऐसे रखते थे, वैसे ही जोड़िए इसको पॉलीनोमियल में, यहाँ पे क्या रहता है, तो एक कांस्टेंट रहता है, उसका कुछ टर्म रहता है, उसका कुछ वेरिएबल रहता है, उस वेरिएबल के ऊपर में यहाँ पावर लिखा रहता है, तो आपको पावर को चेक करना है, हाईएस्ट पावर को, क्या चेक करना है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, आपको चेक करना है किसी भी पॉलीनोमियल का, वही हाईएस्ट पावर क्या कहलाता है, डिग्री, सो सिंपल, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन है फिर से, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें बोल रहा है आपको डिग्री लिखो, तो आपको चेक क्या करना है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कौन है, 4, तो ये पॉलीनोमियल कैसा है जिसका डिग्री कितना है, 4। ओके अगर हमको सिंपली दिया है 2x प्लस 7, इसका क्या होने वाला है, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1, 2x का मतलब x पावर 1, तो इसका पावर कितना है, 1, तो डिग्री 1 है, इसलिए ये हो गया डिग्री 1, क्योंकि इसमें पावर कितना है, 1, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1, ठीक है, हाईएस्ट पावर 1। ओके अगर 2 हो तो सिंपल, इसका डिग्री 2 हो जाएगा, जैसे 2x स्क्वायर है, अकेले भी हो या एक साथ हो, ठीक है, तो ये कैसा होने वाला है, ये होने वाला है, इसमें आप इसको नहीं देखेंगे, आप इसको देखेंगे, हाईएस्ट पावर को देखेंगे, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अगर डिग्री 4 है तो डिग्री टू है, अगर हमारे पास पावर 3 है हाईएस्ट, तो 3x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस y भी लिख सकते हैं, प्लस 8 किसी भी कुछ भी लिख दे, ये एक पॉलीनोमियल है विथ डिग्री 3, ठीक है। ये डिग्री के हिसाब से कि किसी भी पॉलीनोमियल में कितना डिग्री है, इस हिसाब से भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है पॉलीनोमियल का, ठीक है। तो पॉलीनोमियल, एक तो पॉलीनोमियल का क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, जो कि ये था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल्स का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री आप समझे, मुझे उम्मीद है, ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अगेन अगर मैं आपको पूछूं 2x 2√x प्लस 3x प्लस 7, क्या इसका डिग्री बताइए,
तो बोलेंगे भैया ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसका पावर कैसा है फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। जिसका पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री कहाँ से डिफाइन होगा? तो ये सिर्फ डिग्री डिफाइंड है किसके लिए? पॉलिनोमियल के लिए। अगेन डिग्री है क्या? जो हाइएस्ट पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। ओके, चलिए डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया। एक को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन अब लीनियर क्यों नाम पर गया? डिग्री है वन तो लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपको तब क्लियर होगा जब आप ग्राफ बनाएंगे। जब भी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री वन होता है, जैसे 2x + 7, 3y + 8, ठीक है, ये सब का जब भी आप क्या बनाएंगे? ग्राफ। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होता है एक लाइन में आता है। ये आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे और उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ेंगे जस्ट नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसा ग्राफ आपको खूब प्लॉट करने को मिलेगा। तो आपको एक लीनियर सीधा ग्राफ मिलेगा, उसी तरह से जैसे आप मोशन में ग्राफ बनाए होंगे, तो लीनियर ग्राफ मिलेगा। इसलिए नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बोलेंगे? तो आप पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल विथ डिग्री वन, जिसका डिग्री क्या होने वाला? विथ डिग्री वन। ऑफकोर्स आप इसका लंबा चौड़ा डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन विथ डिग्री वन। डिग्री अगर वन है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 2x + 7 तो इसमें x का पावर कितना है? वन। तो ये क्या है? ये है एक लीनियर पॉलिनोमियल। 3y + 8 यहाँ पर y का पावर कितना है? वन। तो ये क्या है? एक लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, कोई भी हो सकता है लेकिन इसमें पावर वन होना चाहिए। अगेन टर्म कितना भी हो सकता है, टर्म कितना भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ 3x + 4y + 7, ये क्या है? ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये आप बोल सकते हैं कि ये तो मोनोमियल है। तो वो तो है ही, वो तो टर्म के बेसिस पे है। मैं अभी किस पे बेसिस पे बात कर रहा हूँ? पावर के बेसिस पे, हाईएस्ट पावर के बेसिस पे, यानी डिग्री के बेसिस पे। तो ये एक मोनोमियल है विथ वन डिग्री, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, या लीनियर मोनोमियल बोल दीजिए। मोनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल का ही टाइप होता है ना, तो लीनियर मोनोमियल बोल दीजिए। पॉलिनोमियल जो है वो भी क्या है? तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक बाइनोमियल है विथ डिग्री वन। ठीक है, डिग्री वन। ठीक है, तो आप इसका नाम भी पढ़ें लीनियर इक्वेशन, तो उसमें देखते होंगे कि ऐसा ही आपको मिलता होगा। ठीक है, लीनियर सिंपली मतलब होता है डिग्री वन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, और इसमें आपको थोड़ा सा और कन्फ्यूजन होगा। ये नाम है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो फोर के लिए होता है, आप डिग्री टू के लिए लिखे हैं क्या? जी हाँ लिखे हैं डिग्री टू के लिए। ऐसा क्यों? तो फिर फोर किससे लिखेंगे? तो फोर लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक से। किससे? बाई क्वाड्रेटिक से। तो सिंपली समझे क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा? तो एक पॉलिनोमियल होगा, जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल सबका दिखा दिया है, ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री टू, जिसका डिग्री क्या होने वाला है? विथ डिग्री टू। एग्जांपल 2x² + 3x + 7, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका अगर आप जनरल फॉर्म लिखे, जैसे इसका भी जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एक आगे में कुछ कॉन्स्टेंट होगा, ये कॉन्स्टेंट कुछ हो सकता है जीरो को छोड़ के, ए एक्स और इसके साथ कुछ होगा बी, ये नहीं भी हो सकता। यहाँ कंडीशन क्या है इसका जनरल फॉर्म में? ए जीरो नहीं हो सकता। ये जो है ये है जनरल फॉर्म। किस क्या चीज़ है? जनरल फॉर्म किसका? एक लीनियर पॉलिनोमियल का। उसी तरह से इसमें क्या होने वाला? पावर टू मस्ट है, और उसकी पावर टू के लिए कॉन्स्टेंट भी चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर होने वाला। उसके बाद हो या ना हो बी एक्स हो, और प्लस एक टर्म हो सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है? तो ये ए बी सी को हम अभी तत्काल के लिए, ऑफकोर्स आपको लग रहा है वेरिएबल है, पर ये वेरिएबल नहीं है, इसका एक क्वेश्चन में वैल्यू फिक्स होने वाला है, तो इसको हम लोग कॉन्स्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, ए बी सी जो है हम लोग को अभी जब तक मिलेगा, तो ए बी सी को समझिए अभी तत्काल कॉन्स्टेंट ही आपके लिए। ठीक है, किस तरह के कॉन्स्टेंट है बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री थी, कंडीशन क्या है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ये जनरल फॉर्म है, कैसा? जनरल फॉर्म। कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो इसी तरह का होगा। जैसे एक तो मैंने आपको यह दिखा दिया पावर टू है इसलिए क्वाड्रेटिक है। ठीक है, एक मैं आपको दिखाया था सिंपली 2x², क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आपका जवाब होना चाहिए हाँ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्योंकि पावर टू है। ठीक है, पर एक ही टर्म है, उससे कोई मतलब नहीं है, पावर टू होना चाहिए। क्या x² एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आपको सिर्फ डिग्री देखना है, ये पॉलिनोमियल है क्या? हाँ है, मोनोमियल है, तो मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होता ही है। तो इसमें डिग्री क्या है? वन, सॉरी डिग्री क्या है? टू, भले ही टर्म एक है, तो ये भी क्या है? एक क्वाड्रेटिक है। और मैं लिखूँ x² + 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आपका जवाब होना चाहिए हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है। क्यों? क्योंकि इसमें भी डिग्री टू है, भले ही दो टर्म है। तो ऐसे होता है क्वाड्रेटिक, जनरल फॉर्म मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद एक होता है क्यूबिक। क्यूब आप समझ सकते हैं, क्यूब मतलब होता है पावर थ्री, तो उसी से आया क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होने वाला है? नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होने वाला है? पॉलिनोमियल विथ डिग्री थ्री, जिसका डिग्री कैसा होने वाला? थ्री। एग्जाम्पल
देखिए 2x मान लीजिए क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 7x है प्लस 4 है, इतना बड़ा नहीं भी लिख के आप अगर 3x क्यूब भी लिख देंगे तो ये भी है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप अगर एक और जोड़ दे 4x क्यूब प्लस 7, पर पावर 3 होना ही चाहिए, मेरा कहने का मतलब है क्यूबिक है, क्यूबिक नाम ही पड़ा है ना पावर 3 के कारण, तो यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए। मतलब इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, मतलब जनरल फॉर्म ऐसा फॉर्म होता है जिसे सारा पॉलिनोमियल दिखा दिया जाए, तो उसमें ए रहेगा, उसमें वेरिएबल का पावर कुछ क्यूब होने वाला 3 प्लस, एक और नीचे कर दीजिए तो पावर 2 होने वाला, एक और नीचे कर दीजिए पावर 1 होने वाला, और एक कॉन्स्टेंट। इसमें सब कुछ जीरो हो सकता है ऑफकोर्स, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकता है, कैनॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर 3। ऐसा ही एक आता है जैसे क्वाड्रेटिक, मतलब दो, तो क्वाड्रेटिक का एक भाई है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ जिससे कन्फ्यूजन है, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक कैसा हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक मतलब दो और उसके आगे बाई लग गया है, बाई मतलब भी दो, दो दो नहीं चार, तो पावर 4 यानी डिग्री 4। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होने वाला है वो क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। जैसे 2x पावर 4, ये एक बाई क्वाड्रेटिक है। अफकोर्स इसके साथ आप बहुत सारा पूछ लगा सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, 7y लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर डिग्री 4 है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, बाई क्वाड्रेटिक। तो ये सब था किसके बारे में, पॉलिनोमियल को पहचानना, उनके डिग्री को पहचानना। एक टर्म आता है कॉफिशियंट, ठीक है, तो कॉफिशियंट मतलब होता है न्यूमेरिकल पार्ट, ये आपको आता ही है, न्यूमेरिकल पार्ट जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट। अब थोड़ा सा डिग्री जानने के बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं अगेन कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का। तो देखिए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का पावर कितना है, 2 का वेरिएबल जो है वो x है, x का पावर कितना है 0। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख लीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, 3 भी हो सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 9 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने होते हैं हैव डिग्री 0। कितना जीरो होता है, डिग्री होता है डिग्री 0। क्यों डिग्री 0 होता है, क्योंकि आप देख तो रहे हैं कि उनके पास तो इतना वेरिएबल होता नहीं है, हम जबरदस्ती उसको ला रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती ही ला रहे हैं एक तरह से, तो उनका पावर कितना हो रहा है 0। तो इसी तरह 0 पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होगा, तब तो क्या 0 का भी 0 होगा, नहीं, ठीक है, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री इज नॉट डिफाइन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्या है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, मतलब अगर आपको पूछ दे, अब बहुत सारा चीज इनडिफाइंड देख सकते हैं, जैसे डिवीजन बाय 0, ठीक है, एनीथिंग बाय 0, ये नॉट डिफाइंड, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। और आपको आज मिल ही गया कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल ये भी नॉट डिफाइंड, तो आपको दो तीन चीज मिल गया यहाँ पे नॉट डिफाइंड वाला। 0 के साथ अक्सर बेईमानी हो रही है, ठीक है, हम लोग को लड़ना है 0 के लिए, कुछ करना है, ठीक। तो ये सब बातें थी किसके बारे में, डिग्री के बारे में। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, तो चलिए करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको पॉलिनोमियल पहचानना है, कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। इसका लैंग्वेज आपने बड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कौन है कौन नहीं है, वन वेरिएबल मतलब सिर्फ एक्स में, ठीक है। तो मैं आपको सीधा लिख रहा हूँ, यहाँ पॉलिनोमियल आपको पहचानना, वन वेरिएबल में नहीं, पॉलिनोमियल आपको पहचानना। तो पॉलिनोमियल देखिए ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है, और पावर क्या है आपको देखना है कि इसमें जो वेरिएबल है उसका पावर या तो 2 है या तो 1 है, जो कि होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इसमें इसमें यस ये भी इसका वेरिएबल जो है, वेरिएबल का पावर 2 है, तो ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल है विथ बाइनोमियल है। इसमें आप दो तीन बात कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को देखिए दो तीन बात कर सकते हैं, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर क्या है, होल नंबर। और क्या बात कर सकते हैं, तो इसमें तीन टर्म है इसलिए ये ट्राइनोमियल है। और क्या बात कर सकते हैं, ठीक है, तो मेन यही एक दो बात कर सकते हैं। और इसमें एक और बात कर सकते हैं, ये एक ट्राइनोमियल है, वन वेरिएबल है, ठीक है, जैसे बाइनोमियल होता है वन वेरिएबल, उसी तरह से ये अगर बात करें तो ये क्या है, एक बाइनोमियल है, इसका पावर 2 है तो इसलिए पॉलिनोमियल भी है, जिसमें कितना टर्म है 2 टर्म, जिस वेरिएबल कितना है 1। अगेन ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है, क्या दिक्कत होगा, तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे टी का पावर रूट है, यानी टी का पावर 1/2 है, तो ये फ्रैक्शनल पावर है, तो ये नॉट ए वेरिएबल, ठीक है। अगेन ये भी दिक्कत है, वाई तो ठीक है वाई का पावर 1 है, पर 2 यहाँ वाई का पावर -1 है, तो ये भी नॉट ए वेरिएबल है, नॉट ए पॉलिनोमियल। अगेन इसका अगर बात करें तो एक्स पावर 10 प्लस वाई का पावर 3 प्लस ये, तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दिया, उस हिसाब से तो ये भी नहीं होगा, पर ये वेरिएबल ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पावर 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ 50 है, ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका सब का पावर, सारे वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर। पर आपके क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ मुझे दिख रहा है जिसमें बोल रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल देना, तो उस हिसाब से ये नहीं होगा, अदरवाइज जब मैंने क्वेश्चन लिखा है कि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करने में से ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं,
तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला है कॉफिशियंट एक्स स्क्वायर का निकालने, कॉफिशियंट मतलब होता है जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर है इसके आगे में क्या है वन, तो इसका कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट क्या हो जाएगा वन, इसमें माइनस वन है एक्स स्क्वायर के आगे तो इसका कॉफिशियंट हो जाएगा माइनस वन, इसमें आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, इसमें कॉफिशियंट क्या है तो एक्स स्क्वायर के सामने है पाई बाई टू, तो ये हो गया पाई बाई टू, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो आप इससे लिख सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर और जीरो, तो हाँ तो इसका कॉफिशियंट क्या है जीरो, डन। क्वाइट इजी क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे डरते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, इसका आंसर फिक्स नहीं होने वाला है। बोला एक बाइनोमियल जिसका डिग्री 3500, बाइनोमियल मतलब दो टर्म होने वाला है, तो दो टर्म कोई ले लीजिए, मान लीजिए x प्लस वाई ले लिए, उसमें एक का पावर 35 कर दीजिए क्योंकि हाईएस्ट पावर 34 है, 35 है ये 35, अब इसमें आपको जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है दो टर्म है ना, तो इसमें आप या तो y ही लिख दीजिए, y भी रहेगा चलेगा, ठीक है x पावर 35 प्लस 4 ये भी एक बाइनोमियल है जिसका पावर 35 है, यानी डिग्री 35 है, कुछ लिख सकते हैं आप, इसमें एक चीज ऐसा होना चाहिए जिसके वेरिएबल का पावर 35 होना चाहिए, ऑफकोर्स 3x का पावर 35 ये भी हो सकता है, 1000 आंसर हो सकता है, 1 करोड़ अनलिमिटेड आंसर हो सकते हैं, एक मोनोमियल जिसका पावर 100 x पावर 100 ये भी एक है, ठीक है y का पावर 100 ये भी एक मोनोमियल है, एक टर्म वाला है जिसका पावर कितना है 100, तो ऑफकोर्स ये हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ आपको बोल रहा है डिग्री लिखने फॉलोइंग पॉलिनोमियल का, जैसे पॉलिनोमियल है आपको बोल दिया हुआ है तो आपको चेक नहीं करना सिर्फ डिग्री लिखना है, डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर, तो इसमें आपको डिग्री कौन दिख रहा है, मुझे डिग्री दिख रहा है 3, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ डिग्री कौन दिख रहा है, डिग्री दिख रहा है 2, तो यहाँ सब में लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 2, डिग्री इक्वल टू 3, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है टी, टी है वेरिएबल, टी का पावर कितना है 1, इसमें आपने देखिए ये तो कॉन्स्टेंट है ना, तो टी का पावर 1 है, तो यहाँ आप लिख देंगे डिग्री इक्वल टू 1, ये ऑफकोर्स एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है 0, तो डिग्री हो गया 0। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन में मूव कर, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ बात करना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक, कौन क्यूबिक, तो लीनियर के लिए 1 होना चाहिए डिग्री, क्यूबिक के लिए ठीक है 3 होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक के लिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ डिग्री कितना है हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये हो गया क्या क्वाड्रेटिक। आगे वाला देखिए, तो आगे वाला में डिग्री क्या है हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक, सब पॉलिनोमियल है आपको पहले ही बोल दिया गया, ठीक है इसमें कितना आपको पावर दिख रहा है 2 हाईएस्ट, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक। अगेन लास्ट वाला, तो ये लास्ट वाला क्या है, इसमें डिग्री 1 है, तो ये क्या है लीनियर, ठीक है इसमें लीनियर पावर टी का 1 है, ठीक है इसमें पावर 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ मोनोमियल बाइनोमियल में छाटिए, तो ये हो गया बाइनोमियल दो टर्म, ये भी बाइनोमियल, ये ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल, ये मोनोमियल, ये मोनोमियल, तो देखिए अब 5 मिनट के अंदर मैं 4 मिनट में लगभग पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। चलिए अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पे, कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जिसको सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं वो क्या है, पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। अब देखिए एक दो बात, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या इसको सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है या रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है एक दो का मैं मतलब समझा देता हूँ, क्यों इसको जीरोज बोलते हैं, क्यों सॉल्यूशन बोलते हैं, क्यों रूट बोलते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले कि आप ये जीरोज सॉल्यूशन और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल समझे, मैं चाहूंगा कि आप इक्वेशन के बारे में समझ लें, इक्वेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन भी पढ़े ना, अभी तत्काल एक्सप्रेशन ही पढ़े थे, जितना पॉलिनोमियल था वो एक्सप्रेशन ही था, जब सिंपली कॉन्स्टेंट वेरिएबल मिल जाता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, जब एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया जाए मतलब इक्वल लगा दिया जाए, एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू जीरो, जब एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दे किसके जीरो पे, तो वो हो जाता है इक्वेशन, जैसे 2x² + 3x + 7 ये क्या है एक पॉलिनोमियल है, यानी एक एक्सप्रेशन है, इसको हम इक्वल टू जीरो कर दिए, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन, अगर मैं लिख दूं 2x = 0 ये भी क्या है एक इक्वेशन है, 3x + 7 इसको मैं इक्वल टू जीरो कर दूं, ये क्या है एक इक्वेशन, क्या जरूरी है x = 0 ही हो, अगर x = 3 है तब नहीं हो सकता है क्या, समझिए 2x² + 3x + 7 = 0, तो इसमें भी आप 3 को क्या इधर नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 2x² + 3x + 7 - 3 = 0, 3 प्लस में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो अब ये क्या बन गया, अभी ये जनरल फॉर्म में आ गया, तो जनरल फॉर्म में ये कहता है कि इक्वेटेड टू 0, जरूरी नहीं है कि उधर 0 ही हो, इक्वल साइन लगाया मतलब इक्वेशन है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं जीरो जब पॉलिनोमियल क्या होगा, तो देखिए हम पॉलिनोमियल को अभी से पी से डिनोट करेंगे, किसी से पी से, जैसे कोई पॉलिनोमियल है 2x³ + 3x² + 7x + 4, ये एक पॉलिनोमियल है, जी हाँ है, कौन सा वाला है, मतलब डिग्री के हिसाब से क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसको हम पी से डिनोट करेंगे, और जो वेरिएबल होगा उसके साथ, जैसे एक्स है तो यहाँ एक्स इक्वल टू एस है, ठीक है ये क्या करेंगे, ये दिखा रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है पॉलिनोमियल है, ये एक्स क्या दिखा रहा है ब्रैकेट में, ये किस वेरिएबल में डिफाइंड है, जैसे ये एक्स में डिफाइंड है, जैसे अगर मुझे ये वाई में डिफाइंड रहता 2y³ + 3y² + 7y + 4, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करता, चिंता नहीं कीजिए मिक्सर वाला आपको नहीं मिलेगा, एक्स वाई के मिक्सर वाला नहीं मिलेगा, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दो तीन जहाँ पॉलिनोमियल हो तो वहाँ हम क्यू का भी सहारा ले सकते हैं, क्यू वाई ले सकते हैं, टी वाई ले सकते हैं, हमारे मन पे, ठीक है जब दो तीन पॉलिनोमियल एक साथ देना हो तो क्या करेंगे हम, पी वाई क्यू कुछ भी ले सकते हैं, ओके जहाँ पे ये टी ए बी सी क्या दिखा रहा है अभी तत्काल कॉन्स्टेंट दिखा रहा है, ओके अब क्या बात करना है, अब हमको बात करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल,
तो देखिए जीरोज और पॉलिनोमियल का सिंपली मतलब है कि वो वैल्यू, ठीक है, जीरोज या इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन या इसी को बोलते हैं रूट, तो वो वैल्यू जिसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। नहीं समझ में आया? इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है ना 2x2 + 7, मान लीजिए एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस x के जगह पे ये जरूर डिफाइन किया होगा कुछ बेसिस पे, ये x के जगह पे कुछ ऐसा चीज दे दे ये पूरा जीरो के बराबर हो जाए तो वही कहलाता है जीरो जब पॉलिनोमियल। सो इजी, जीरो नाम है और हमको जीरो के बराबर बनाना है। जैसे अगर मुझे यहाँ पता करना है कि मैं x के जगह क्या रखूँ, मैं सिंपली इसको निकाल दूंगा 2x2 + 7, इतना तो आपको आता है, इक्वल टू जीरो कर दूंगा। अब 2x2 बराबर क्या आ गया, ये प्लस सेवन इधर जाएगा तो -7, तो x2 बराबर क्या आ गया -7/2, तो x क्या आ जाएगा, ठीक है, x आ जाएगा रूट में -7/2, तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, आपको सबको इतना हैवी नहीं मिलने वाला, आपको ये माइनस में मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3x है और +4 है, ये एक पॉलिनोमियल डिफाइंड है, बोलेगा इसका जीरोज क्या है, मतलब कौन सा वैल्यू देने पे ये जीरो आ जाता है। आपको एक तरीके से आप चुपके से क्या करेंगे, इसके लिए आप चुपके से एक आंसर निकालेंगे 3x = 0, 3x = -4, तो x किसके बराबर आ गया -4/3। तो आप बोल देंगे कि इसमें जब x जगह -4/3 रख देंगे, x जगह क्या रख देंगे -4/3 + 4, तो ये 3 से 3 कैंसिल आ गया, तो -4 + 4 क्या आ गया जीरो, समझे। तो ये क्या है, जो हमारा ये 4/3 था -4/3, ये एक जीरो है या सॉल्यूशन या रूट है। तो जीरोज या सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जीरोज या सॉल्यूशन या रूट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो वैल्यू किसी वेरिएबल का, यहाँ एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड या सिंपली बोल दें द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, वो इक्वेशन मतलब इक्वेटेड टू जीरो, ठीक है, यानी इक्वेटेड टू जीरो इज सेटिस्फाइड, या ऐसे बोल सकते हैं कि वो वैल्यू वेरिएबल का जिसके कारण जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वो वैल्यू वेरिएबल का जिससे फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ऐसा बोले द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जिसके कारण द वैल्यू है पॉलिनोमियल का वो किसके बराबर आ जाए जीरो के बराबर, जीरो। ठीक है, अब कोई कोई क्वेश्चन बस इतना ही आपको समझना है, कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको बोल देगा कि x का वैल्यू लो और चेक करो ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ठीक है, अब कोई कोई क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको बताना रहेगा कि रूट है या सॉल्यूशन है या नहीं। तो चलिए दोनों तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें ये सब कुछ दिया हुआ है, चार ही क्वेश्चन ही है, तो चलिए चारों क्वेश्चन को हम लोग कर ही लेते हैं अभी जल्दी से, ठीक है, तो चलिए करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, बोलता है वैल्यू निकाले पॉलिनोमियल का, किसका, इसका। तो हम इसको पहले ऐसे डिनोट कर लेते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल px है, x के रूप में डिफाइन किया गया, जो किस तरह से px 5x -4x2 + 3। कब निकाला वैल्यू, जब x 0 हो। ये नहीं बोला है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो, ये एक 0 है कि नहीं मुझे नहीं पता अभी, ठीक है, और है भी नहीं। 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, तो अभी हम x के जगह 0 डालेंगे, यानी यहाँ भी x की जगह 0 डालेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 0 - 4 × 0² + 3, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा क्या 3, तो क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं, तो ये एक 0 जब पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड आते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, तो p जब 1 रख देंगे, यहीं पे चलिए सॉल्व करते हैं, p की जगह अगर 1 रख देंगे, ये सेकंड क्वेश्चन है, p की जगह -1 रख देंगे तो 5 × -1 - 4 × -1² + 3, ये क्या हो गया -5, ये क्या हो गया -4 × 1, क्योंकि -1² 1 ही होता है, +3, ये क्या हो गया -5 - 4 + 3, क्या हो गया -9 + 3, कितना हो गया -6, तो ये वैल्यू आया पॉलिनोमियल का जब x का वैल्यू क्या है -1। थर्ड आते हैं, p जब 2 के बराबर हो, x में जब 2 रख दे, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 - 4 × 2² + 3, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 2 = 4 - 4 = 16 प्लस 3, ये कितना आ गया 13 - 16 = -3। ऑफ कोर्स हो सकता है अभी कैलकुलेशन गलती हो, मेथड यही होगा आपका, ठीक है, क्या करना है आपको, अगर वैल्यू निकालना है किस पे निकालना है, तो जब x 0 हो तो आप 0 रख देंगे, जब -1 है तो -1 रख देंगे, जब 2 है तो 2 रख देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़, सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़, चलिए ये है, मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, मतलब आपको पता करना है कि जीरोज हैं कोई कोई कि नहीं, और उनका जीरो यहाँ दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या दे देंगे हम, x की जगह -1/3 रख देंगे, ये देखिए आप देते हैं 3 × -1/3
प्लस वन, अब ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस वन प्लस वन जीरो आ गया। और यही तो चाहिए था, जीरो पॉलीनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, वो वैल्यू एक्स का जहाँ पे पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया, आ गया तो हम लोग बोल देंगे यस माइनस वन बाई थ्री इज जीरो, माइनस वन बाई थ्री इज जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का जीरोज है, मतलब सॉल्यूशन है या रूट है इसके लिए। तो एक्स जगह फोर बाई फाइव रखना है, तो एक्स जगह मैंने रखा फोर बाई फाइव, यहाँ क्या रख दिया फाइव इंटू फोर बाई फाइव माइनस पाई, फाइव से फाइव चला गया, ये क्या बचा फोर माइनस पाई, क्या ये बचा जीरो, नहीं ये जीरो नहीं आया, सो यहाँ लिख देंगे फोर बाई फाइव इज नॉट क्या रूट, इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इस पॉलीनोमियल का जीरो नहीं। थर्ड में बहुत ईजी है, जब एक्स जीरो हो तब, तो मैं जब इसको इसलिए लिया कि बहुत आसान है तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो जाए, जब जीरो रखूंगा तो जीरो का पावर टू यानी जीरो ही, तो यस जीरो इज पॉलीनोमियल, इसलिए क्या है पॉलीनोमियल है। ओके इसका तो ये एल एक्स प्लस एम क्या है, एल एक्स प्लस एम, और यहाँ एक्स की जगह क्या रखना है हमको माइनस एम बाई एल, तो मैं देख के देखता हूँ क्या होता है, पी एक्स जगह रख दिया माइनस एम बाई एल, तो चलिए रखते हैं एल इंटू एक्स जगह रखा मैंने माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस एम प्लस एम जीरो हो गया, यस ये पॉलीनोमियल का वैल्यू जब माइनस एम बाई एल रखते हैं एक्स जगह पे तो जीरो हो जाता है, यानी ये भी एक जीरो जब पॉलीनोमियल है। लास्ट क्वेश्चन, इसमें दो दिया हुआ है तो जी हाँ दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है, पावर टू है तो दो होगा, पावर थ्री है तो तीन होगा, ठीक है, पावर वन है तो वन होगा, यानी लीनियर के लिए सिर्फ वन, क्वाड्रेटिक के लिए दो, क्यूबिक के लिए तीन। चलिए अब रखते हैं एक्स जगह माइनस वन बाई रूट थ्री, पहले चेक करते हैं उसके बाद टू बाई रूट थ्री, तो इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का पावर टू माइनस वन, तो थ्री इंटू ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, तो वन रूट थ्री का स्क्वायर, तो आप पिछले चैप्टर से पढ़े होंगे कि ये स्क्वायर और ये क्यूब स्क्वायर रूट कर जाता है क्योंकि टू इंटू वन बाई टू हो जाता है तो कर जाता है, तो ये हो गया कितना वन बाई थ्री माइनस वन, तो अगेन ये थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास बचा वन माइनस वन जो कि होता है जीरो, तो ऑफकोर्स जब माइनस वन बाई रूट थ्री रखे तो इस पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया, इसलिए माइनस वन बाई रूट थ्री तो पॉलीनोमियल का जीरो है। सेकंड के लिए चेक करते हैं, फोर टू बाई रूट थ्री के लिए चेक करते हैं, तो पी टू बाई रूट थ्री इक्वल टू थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ हो गया थ्री इंटू अगेन ये टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री माइनस वन, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो फोर माइनस वन आ गया थ्री नॉट आ जीरो, ये जीरो नहीं, ठीक है जीरो नहीं ना आया, मतलब जो टू बाई थ्री रूट थ्री है वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो यही था थर्ड में, फोर्थ में आपको निकालना है फाइंड जीरो, तो मैं फोर्थ में ही दो तीन क्वेश्चन करके दिखाई देता हूँ, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है आपको पॉलीनोमियल का जीरोज निकालना है, इसमें आपको चेक नहीं करना है, आपको वैल्यू नहीं निकालना है, आपको निकालना है पॉलीनोमियल, आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन है जैसे पी एक्स एक्स पावर एक्स प्लस फाइव, तो मैंने बताया तो आपको जीरो निकालना है तो क्या कर देंगे, तो एक्स प्लस फाइव इसको जीरो की इक्वेट करना रहता है, ठीक है जीरो ही तो लाना रहता है, तो आप देख लीजिए अभी सिंपली सिंप्लीफाई कर दीजिए इक्वेशन बन गया, तो एक्स इक्वल टू ये इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस फाइव, तो माइनस फाइव जो है वो जीरो है पॉलीनोमियल का। एक और बीच से कहीं कर लेते हैं जैसे फोर नंबर पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, तो इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, थ्री एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ये माइनस टू उधर जाएगा तो टू हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू क्या आ गया टू बाई थ्री। फाइनली वी आर प्रोसीडिंग टू आर सेवेंथ हो जाएगा सी एक्स प्लस टी, आपको बोलने में दिया है इसको हमको जीरो निकालना, तो इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो सी एक्स बराबर क्या हो गया माइनस डी एक्स हो गया माइनस डी बाई सी। अब एक इंपॉर्टेंट आता है कि क्या कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल का भी कोई जीरो होगा, तो कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल का जीरो नहीं होगा, तो अब एक दो पॉइंट जीरो के बारे में आपको याद रखना है, जीरोज मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसके बारे में, तो सम नोट आपको रखना है, पहला नोट रखना है क्या कि जीरो या सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं किसका ऑफ अ कांस्टेंट, ओके कांस्टेंट पॉलीनोमियल का, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलीनोमियल का, कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलीनोमियल का, जैसे थ्री है टू है फाइव है नाइन है, ठीक है तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल का जीरो क्या होगा, ठीक है तो भैया जब वो है ही 5x का 5x है मतलब 5x और 0 है, तो यहाँ पे आप x से कुछ भी रख दो तो वो तो 5 ही रहेगा, तो इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा ये 0 कभी हो पाएगा नहीं, ठीक है तो इसके पास तो 0 ऑफ पॉलीनोमियल डू नॉट एग्जिस्ट, उसके पास नहीं एग्जिस्ट रहता है, ऐसे लिख सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल हैज नो जीरोज, पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कांस्टेंट पॉलीनोमियल के पास कोई जीरो नहीं रहता है। ओके अब ओके मन में आ रहा होगा कि जीरो पॉलीनोमियल का क्या बात है, ठीक है जब जीरो पॉलीनोमियल है तो जीरो पॉलीनोमियल का क्या मतलब होता है, तो जीरो पॉलीनोमियल मतलब जीरो, ठीक है और जीरो ही तो माना ही रहता है, तो इसीलिए सारे रियल नंबर को, ठीक है एवरी रियल नंबर हैज, एवरी रियल नंबर को माना गया है इज ए जीरो
ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, अगर जीरो पॉलिनोमियल है उसके लिए सभी रियल नंबर, टू है इसका जीरो क्या, हाँ है ठीक है, यानी इनफाइनाइट नंबर होता है ये जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। आपको मुझे पता है कि कॉन्स्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल आप पीछे पीछे समझे हुए हैं, उसी के बारे में बात करें। पॉलिनोमियल मतलब एक का कोई नहीं है, जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है उसके पास कोई जीरो नहीं, और जीरो पॉलिनोमियल के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तीसरा चीज, जरूरी नहीं है जीरो मतलब जीरो ही हो, नहीं क्या बोलिए, इसे मतलब बोलिए कि 3x प्लस 4 इक्वल टू जीरो है, यहाँ आप जानते हैं कि एक्स पावर माइनस 4 बाई 3 आएगा, यहाँ पे जीरो जो है वो क्या है माइनस 4 बाई 3 ठीक है। कभी कभी आ सकता है जैसे एक्स स्क्वायर है, ये मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ये ठीक है, ये एक जीरो है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जीरो जो पॉलिनोमियल, जीरो जो होने वाला पॉलिनोमियल को, वो जरूरी नहीं है कि जीरो ही आंसर आया उसका, नीड नॉट टू बी जीरो, नीड नॉट टू बी जीरो, मे बी जीरो ठीक है, ये जीरो हो सकता है, इट मे बी जीरो। एक और बात रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा वन होता है जीरो ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, जीरो पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट जीरो होता है फॉर ऑब्वियस रीजन, और पॉलिनोमियल के पास दो से ज़्यादा भी जीरो हो सकता है, जैसे ऊपर में हम लोग देखे हैं कि इसका दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। सिंपल में याद रखना है जितना डिग्री उतना जीरो ठीक है। चलिए ये बात था पॉलिनोमियल के बारे में, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करवा दिया, अब हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।